अशोक रेस्टोरेंट, बजाज खाना, रामपुरा कोटा। यहाँ पे मिठाई की दुकान है। ये मिठाई बनाने के लिए दूध निकाल रहे हैं। यह दूध फुल फैट दूध है। इस दूध के अंदर थोड़ा सा भी पानी या पाउडर नहीं मिला रहा। कम से कम 10 लीटर दूध तो निकालते ही है। इस दूध का ये मावा बनाएंगे। देखिए यह दूध बाहर ले जा रहे हैं। अब इस दूध को लोहे की बड़ी सी कढ़ाई में खाली कर रहे हैं। इसी कढ़ाई के अंदर मावा तैयार किया जाएगा। मावा बनाने की प्रक्रिया कुछ भारी नहीं है, लेकिन सिर्फ दूध शुद्ध होना चाहिए और दूध को लोहे की कढ़ाई में उबालते रहिए तथा पलटा तब तक चलाते हैं तब तक दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। देखिए ये लड़का पलटा चलाया जा रहा है और 10 से 15 मिनट में मावा बनकर तैयार हुआ। देखिए यह एकदम शुद्ध दूध का मावा है जो कि फुल फैट था। इस मावे से अब मिठाई बनाई जाएगी। यह चिपका हुआ मावा साफ कर रहा है। फुल फैट मिल्क का बेहतरीन मावा बनकर अब तैयार है। यह अंदर ले जा रहे हैं। दुकान के अंदर मिठाई बनाएंगे। इस मावे से मिठाई बनाने की प्रक्रिया कुछ कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा अनुभव जरूरत है। देखिए यह लड़का इस छेनी में मावा भर रहा है। अभी जो मावा बनाया था वह मावा बेहद गर्म था। इस लड़के से गर्म मावा भरना मुमकिन नहीं था क्योंकि गर्म मावा हाथ धो सकता है। इसलिए जो मावा इसमें अभी भर रहे हैं वह पहले बनाया हुआ है, फिर इसको ठंडा होने तक इंतजार किया। यह इसमें मावा का भरकर रोल जमा कर रख रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि मावा पूरे भरकर इस ट्रे को फूल करना है। इस मिठाई को छेनी रोस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पानी में इसको छेनी कहते हैं। इसे इसका पानी निकालकर इसमें मावा भरकर फूल रखा जाता है। इसका मावे का रोल रखा हुआ है। ये देखिए लड़का छेनी निचोड़ कर मावा डाल रहा है। अब डालकर छेनी को लाइन से एक एक करके जमा रहा है। जब यह ट्रे पूरी भर जाएगी तब आगे की प्रक्रिया दिखाई जाएगी। यह दूध की रबड़ी बनाई है। देखिए छेनी में मावा भरकर रख दिया और ट्रे पूरी भर गई। ट्रे पूरी भरने के बाद इस पर ऊपर से रबड़ी डाली गई। यह रबड़ी इसमें जमी रहेगी और बैठ जाएगी। गरम गरम रबड़ी अभी ताज़ा ताज़ा बनी थी। रबड़ी बनाने की प्रक्रिया भी वैसे ही है जैसे मावा बनाया गया था, लेकिन दूध को ज़्यादा गाढ़ा होने से पहले निकाल लिया गया। अभी इस मिठाई को दूध की रबड़ी में गला कर रखेंगे। सब जगह रबड़ी फैलाई जा रही है। रबड़ी डालकर मिठाई तैयार है। इसके ऊपर सूखे ड्राई फ्रूट्स छिड़के जाते हैं। ये देखिए इसके ऊपर पिस्ता डाले जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने का लक्ष्य ज़्यादातर डेकोरेशन करना होता है। इस मिठाई के ऊपर बेहतरीन डेकोरेशन ड्राई फ्रूट से ही हुआ। आप बादाम काजू भी डाल सकते हैं। इन्होंने सिर्फ पिस्ता ही डाली है। पिस्ता से भी मिठाई बेहद अच्छी नज़र आती है। अब मिठाई के ऊपर पिस्ता डालने के बाद यह कलर डाल रहा है।
आप कलर के सिर्फ छींटे ही डालें, अगर ज़्यादा डाला जाएगा तो मिठाई ख़राब हो सकती है, इसलिए छींटे लगाना ही बेहतर है। देखिए छींटे लगाने से यह एकदम बेहतरीन मिठाई बन चुकी है। लाजवाब चीनी रोल से मिठाई बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलें। धन्यवाद।